धार्मिक रंग देने पर कोर्ट ने 7 आरोपियों को भेजा जेल। कार्रवाई का विरोध करने पर 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सिटी थाना पुलिस ने शांति भंग और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा अघोषित टैक्सी स्टैंड पर चौपाटी लगाने के निर्देश दिए जाने के बाद वहां से टैक्सी को हटा दिया गया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मामले को धार्मिक रंग देने के मकसद से आनन फानन में मंदिर बनाने का प्रयास किया। इसकी जानकारी मिलने पर जब नगर परिषद के जमादार सुनील पंडित और रवि कुमार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो कुछ लोगों ने नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ हाथापाई कर दी। सिटी थाना पुलिस ने नगर परिषद आयुक्त राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर 50 से अधिक लोगों के खिलाफ शांति भंग और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कर राम प्रसाद शर्मा, विजेंद्र सिंह रावत, लोकेश सांगेला, विजय सिंह रावत, चांदमल, दौलत राम भाट और अहमद नूर सहित 7 जनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 7 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। एक टैक्सी स्टैंड है जो कमिश्नर ने मेजर अंडरस्टैंडिंग से जो ठेले वाले हैं उनको अलॉट कर दी थी, उसके ऊपर टैक्सी चालकों ने कल सुबह के समय एक टीन शेड लगाकर एक मूर्ति की स्थापना कर दी और वहां पे पूजा उजा करने लगे, जो कि किसी भी सरकारी भवन पे बिना किसी अनुमति के निर्माण करना गैरकानूनी है। उसके अंतर्गत 9 व्यक्तियों को हमने जो है डिटेन किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय पेश कर दिया। यहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में अनुसंधान जारी। सर, इस मामले में कितने लोगों को आपने? हमने 7 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया जी सर।